रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बतौर मुख्यमंत्री पहली कलम से लिया गया बड़ा फैसला, अभी अभी निर्देश जारी किया गया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया ने यह जानकारी अब तक पहुंचाई और अब आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अमूमन देखा गया है कि भजन कीर्तन या मस्जिदों में होने वाली अजान या बड़े बड़े जो समारोह होते हैं, रात्रि जागरण होते हैं, जिससे लोगों को कई बार तकलीफ होती है, बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स लगाए जाते हैं, मानक तय होंगे या पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो आदेश जारी किया गया है उसमें जो है वो मानक तय किए गए हैं कि किस इलाके में कितना होगा। जिस बात का मैं जिक्र करता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय 75 डेसिबल से अधिक आप शोर नहीं कर सकते और रात में इसको घटाकर 70 किया गया। कमर्शियल इलाके में 65 डेसिबल आप उपयोग से ज्यादा आवाज नहीं कर पाएंगे और रात में ये 55 रहेगा। रेजिडेंशियल एरिया में दिन के समय 55 डेसिबल है और रात के समय ये 45 डेसिबल रहेगा और साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात को 40 डेसिबल होगा। ये निर्देश जो है साफ तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण के मामलों में जांच के लिए उड़न दस्तों का भी गठन कर दिया गया है।